यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्या 1-5। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इसराइली हैं, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था, उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14, पद संख्या 1-6 तक। यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही बाहर ना निकाल ले? किसी विश्राम के दिन यीशु एक प्रमुख फरीजी के यहां भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फरीजियों से कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? वे चुप रहे। इस पर यीशु ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र बैल या कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर ना निकाल ले? और वे यीशु को कोई भी उत्तर नहीं दे सके। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है। सूक्ति ग्रंथ, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4, अध्याय 4, पद संख्या 20 और 22, पद संख्या 20
20 और 22 पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। हालेलुया। तुम अपने ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु येसु की सेवकाई की सबसे बड़ी खासियत ये थी, रोगियों को चंगा करना, बीमारों को चंगा करना, पापियों को शिफा देना। ये उनकी सेवकाई का एक अहम हिस्सा था। परंतु शास्त्री और फरीजी, जो बाह्य आडंबरों पर ज्यादा ध्यान देते थे, नियम कायदे कानूनों पर ज्यादा ध्यान देते थे, प्रभु आज उन्हें कुछ सिखाना चाहता था। मूसा की संहिता के अनुसार विश्राम के दिन काम करना मना था। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए जब प्रभु ने जलोदर से पीड़ित एक व्यक्ति को देखा तो उसने लोगों से कहा, विशेष तौर पर शास्त्रियों और फरीजियों से, कि विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं। परंतु वे चुप रहे। तो जलोदर की बीमारी, प्यारे भाइयों और बहनों, शरीर पे बड़े बड़े फफोले हो जाते हैं और उनमें पानी भर आता है। उस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति का हाथ पकड़कर यीशु ने उसे वहीं पर चंगा कर दिया और वहां से वो विदा हो गए। प्रभु उनके मन के विचारों को भांप कर उनसे कहने लगा कि तुम लोग मुझे ये बताओ कि अगर विश्राम के दिन तुम्हारा पुत्र या तुम्हारा बैल कुएं में गिर जाए तो क्या तुम में से कोई उसे विश्राम के दिन नहीं निकालेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु उन्हें अनेक अवसरों पर समझाने का प्रयास करते थे कि विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे और आपको हर पल हर क्षण नित्य प्रतिदिन ईश्वर की सेवा करते रहने की आवश्यकता है। और प्रभु येसु की सेवकाई का, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक अहम हिस्सा उनकी सेवकाई की, एक विशेष बात ये थी, लोगों को चंगाई प्रदान करना, दुष्ट आत्माओं से उन्हें आजाद करना, पापियों को शिफा देना। क्योंकि वचन कहता है प्रभु रोग शैया पर सांत्वना देता और रोगी का बिस्तर बदलता है, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई तड़फे, हम में से कोई दुख या कष्ट में रहे, इसलिए वो हमारे पास चला आता है और हमें चंगा करना चाहता है। हम में से अनेक लोग बीमार हैं। कुछ बीमारियां, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की महिमा के लिए हमारे जीवन में आई हैं, तो कुछ अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़े हुए हैं। बाइबल हमें बताती है, भजन संहिता 107 पद संख्या 17, कि वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे, अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, परंतु प्रभु दुखियों को दिलासा देता है
और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में चंगाई प्रदान कीजिए हालेलुया हालेलुया। अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध कर दीजिए। प्रभु का वचन कहता है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ बल्कि हे प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। हालेलुया। तो बाइबल इस बात को भी स्पष्ट करती है। वचन हमें बताता है, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 4-5 में हम पढ़ते हैं कि वो हमारे ही रोगों के कारण कुचला गया, वो हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, वो दुखों से लदा हुआ था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, उसके घावों के द्वारा मैं और आप भले चंगे हुए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आया तो सबसे पहले उसने अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े इन तमाम लोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, पापियों को शिफा दी। क्योंकि प्रभु ये कहता है कि मैंने अपनी प्रजा के आंसुओं को देखा है, अब मैं उन्हें चंगा कर दूंगा। इसलिए हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। वो शब्द मात्र से अपदूतों को निकालते थे, दुष्ट आत्माओं को आदेश देते थे और दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थीं और भाग जाती थीं। सवाल विश्राम दिवस का था। प्यारे भाइयों और बहनों, शास्त्री और फरीजी, जैसा कि प्रभु उनके विषय में कहता है, ऐ शास्त्रियों धिक्कार तुम लोगों को, तुम स्वर्ग राज्य की कुंजी अपने हाथ में थामे हुए हो, ना तो तुम प्रवेश करते हो और ना दूसरों को प्रवेश करने देते हो, तुम पुती हुई कब्रों के जैसे हो, हर तरीके का काम करते हो, पुदीने और सौंफ का दशमांश देते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय परमेश्वर से बहुत दूर है। विश्राम के दिन भी तुम भलाई करने की इजाजत नहीं देते हो। व्यक्ति मर रहा है तो मर जाए, मुझे इससे क्या, आज विश्राम का दिन है इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। प्रभु उसे सिखाना चाहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, की परमेश्वर विश्राम दिवस का स्वामी है, उसे विश्राम दिवस पर अधिकार है, वो कभी भी किसी भी जगह किसी पर भी अनुग्रह कर सकता है, वो अभी आप पर अनुग्रह कर सकता है। लेकिन वचन ये कहता है कि उपयुक्त समय आने पर मैं तेरे जीवन में ऐसा करूंगा। तो आप उस उपयुक्त समय का इंतजार करें। आप में से कई लोगों की शिकायत है कि हमारे जीवन में उन्नति नहीं है, शांति नहीं है, चंगाई नहीं है। प्रभु कहता है उपयुक्त समय आने पर मैं सब कुछ कर दूंगा, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हमारे विचार, हमारी मानसिकता, हमारे काम शास्त्रियों और फरीजियों के जैसे ना हो, हम अपने जीवन को बदलें, हम प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें। और वास्तव में हम ऐसा कर पाएंगे यदि हम उसकी भेड़े हैं, तो हम उसकी आवाज को पहचानेंगे और उसका अनुसरण करेंगे और वो हमें चंगाई प्रदान करेगा। इसलिए होशिया नबी कहता है अध्याय 6 पद संख्या 1 में कि आओ हम प्रभु के पास लौटें, उसने हमें घायल किया वही हमें चंगा करेगा, उसने हमें मारा है वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। आप रोज प्रभु का वचन सुनते हैं, यीशु वाणी के माध्यम से या फिर आराधना के दौरान या फिर अन्य किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर जो वचन सुनाया जाता है, इन वचनों के द्वारा कठोर हृदय प्रभु विनम्र बनाना चाहता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जहां तक सवाल भलाई करने का है, तो भलाई करने के लिए हमें समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी मौका मिलता है हम प्रभु के लिए उस काम करने को तैयार रहें। ईसा ने एक एक पर हाथ रखकर लोगों को चंगा किया था, उन्होंने लोगों को प्रायश्चित के लिए आह्वान किया,
तमाम लोग अपने रोगियों की चारपाइयों को उठाकर ले आते थे और वह उन पर हाथ रखते थे और रोगी चंगे हो जाते थे, क्योंकि यर्मिया नबी के द्वारा प्रभु यीशु का ये वचन पूरा होता है जो भविष्यवाणी के रूप में कहा गया था अध्याय 17 पद संख्या 14 में कि प्रभु मुझे स्वस्थ कर तो मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। और प्रभु कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, तेरे घावों को भर दूंगा। आज का ये वचन मेरे और आपके जीवन में चंगाई प्रदान करे। प्रभु के कार्य महान है प्यारे भाई और बहनों। हे यरूशलेम, उसकी स्तुति कर। प्रभु के भक्तों जो इस वक्त वचन सुन रहे हैं, आप प्रभु की स्तुति करें। सियोन, उसकी स्तुति कर, उसका गुणगान कर, क्योंकि वो तेरे घरों में, तेरे पर्वतों पर शांति बनाए रखता है। आज के ये वचन आपके जीवन में सेवा करने, भलाई करने की कृपा प्रदान करें। हम समय का इंतजार न करें, अपने हृदयों को कठोर न करें, परंतु प्रभु की वाणी सुनकर हम आज पूरे दिन भर में सेवा के काम करने की कोशिश करें। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आ जाए। यहाँ जितने भी लोगों ने आज का ये वचन सुना है, इनके घरों परिवारों पर तेरी रूह का दुगना मसा उतरे। तेरे भक्तगण, तेरे अधिकारी प्रभु यीशु, जिनको तूने नियुक्त किया है, ये सब निस्वार्थ रूप से सेवा करना सीखे। पवित्रता का वरदान और सेवकाई का वरदान इन्हें प्रदान कर। तेरे वचन के द्वारा इनके परिवारों में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, तेरा वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए। तू करुणा सागर प्रभु, चंगा करने वाला प्रभु, हमारे दुखों को अपने ऊपर लेता था प्रभु। हे प्रभु, हमारे जीवन में अनेक परेशानियों और बीमारियों से हमें आजाद कर। हमारे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों, सहयोगियों पर आशीष दे। हमारी कलीसिया पर, विश्वासियों पर आशीष दे। और प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। यीशु की वाणी, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी।